नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। प्रतापगढ़ के विधायक विश्वनाथ गंज ने पुल का शिलान्यास किया है। ताला से सिगनी घाट को ये पुल जोड़ेगा। लगभग 25 गांवों को जोड़ेगा यह पुल। पुल बनने से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। विधायक विश्वनाथ गंज ने पुल की आधारशिला रखी। लगभग 14 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा कि विकास करना मेरा लक्ष्य है, मैं विकास पर विश्वास रखता हूँ। विश्वनाथ गंज विधानसभा की जनता के लिए हमेशा विकास करता रहूँगा। विश्वनाथ गंज विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। कार्यक्रम में दिनेश सिंह डगैता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि देशराज सिंह, प्रतिनिधि बीएल पटेल आदि लोग मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर आर के वर्मा विधायक विश्वनाथ गंज ने, आपको सुनवाते हैं। ये केशव जी, मैं आपको बता दूं कि विकास की कड़ी में यह छोटी सी उपलब्धि पहाड़पुर और ताला घाट के बीच में 14 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल है और लगभग 25 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी की अनावश्यक यात्रा करके अपने गंतव्य को पहुंचते थे, तो लगभग 25 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगी। विधायक जी, लगातार आप अभी मंच से कह रहे थे कि लगातार विकास पे विश्वास रखता हूँ, लेकिन विरोधी एक और निशाना लगातार साध रहे हैं और सड़कों को लेकर ज़्यादातर निशाना साधते रहते हैं कि विश्वनाथगंज विधानसभा की सड़कें हैं, तो अभी तक आपके द्वारा कितनी सड़कें विश्वनाथगंज विधानसभा में लाई गई? जी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे कार्यकाल के पहले की सड़कें देख लीजिए और मेरे कार्यकाल के बाद की सड़कें देख लीजिए। अभी तक इसके पहले विश्वनाथगंज विधानसभा में एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जो 7.5 मीटर की बनी रही हो। मैंने लगभग दर्जन भर सड़कें 7 मीटर चौड़ी बनाने का काम किया, उनका सुदृढ़ीकरण कराने का कार्य किया और लगभग मैं 2021 के अंत तक लगभग दर्जन भर पुल सई नदी, बपलाही नदी और लोनी नदी पर लगभग पूर्ण कर चुका होगा। विद्युत परियोजनाओं में इस मंडल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना सराय नाहर राय मानधाता में 100 करोड़ की विद्युत परियोजना लग रही है। दो राजकीय डिग्री कॉलेज, दो पॉलिटेक्निक कॉलेज की उपलब्धियां हमारे विधानसभा को रही हैं। इसके पहले 70 वर्षों तक लोगों ने विधायक सांसद मंत्री बनाया, लेकिन एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, एक भी बड़ी विद्युत परियोजना नहीं थी, एक भी चौड़ी सड़क नहीं थी। सारी उपलब्धियां मेरे कार्यकाल की रही हैं और मैं अपने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं विकास में विश्वास करता हूँ और विकास का क्रम सतत जारी रहेगा और उसका लाभ उन्हें मिलता रहेगा।